लेट्स गो अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इन द एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर यूजिंग रेजोनेंस कॉलम, तो मैंने कल आपको बताया था रेजोनेंस कॉलम मतलब क्या, क्लोज पाइप, पाइप क्लोज एट वन एंड। द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम दैट रेजोनेट्स इन द फंडामेंटल मोड विथ अ ट्यूनिंग फोर्क इज 0.1 मीटर। लेंथ ऑफ एयर कॉलम दैट रेजोनेट्स इन द फंडामेंटल मोड, इन फंडामेंटल मोड मतलब ये जो आपको बताया है दैट इज फंडामेंटल मोड का लेंथ। तो इफ यू रिमेम्बर क्लोज पाइप में फंडामेंटल मोड में व्हाट यू हैव इज फंडामेंटल मोड, हाउ मेनी लूप्स, हाफ लूप, वन नोड एंड वन एंड नोड। तो ऐसा है ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम बोला है ना, लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज 0.1। तो यू मस्ट ऑल्सो नो कि लेंथ ऑफ एयर कॉलम बोला है मतलब लेंथ ऑफ ट्यूब प्लस एंड करेक्शन बताया है आपको। तो ये आ जाएगा लैम्डा बाई 4, और दिस लैम्डा बाई 4 विल बी इक्वल टू एल वन, वेयर एल वन इज लेंथ ऑफ ट्यूब, और दिस इज नथिंग बट एंड करेक्शन ई। तो पहले केस में आपके पास एल वन प्लस ई इक्वल टू लैमड़ा बाई 4 है, दिस इज वॉट दे आर टेलिंग यू। आगे बोला है वेन दिस लेंथ इज चेंज टू 0.35 मीटर, तो नाउ यू आर चेंजिंग द लेंथ टू 0.35 मीटर, द सेम ट्यूनिंग फोर्क रेजोनेट्स विद द फर्स्ट ओवर टोन, कैलकुलेट द एंड करेक्शन। तो वेन यू चेंज द लेंथ टू 0.35 मीटर, पहले 0.1 था अभी कितना है 0.35 है। नाउ व्हाट यू सी इज द सेम ट्यूनिंग फोर्क का इट रेजोनेट्स विद इट्स फर्स्ट ओवर टोन। फर्स्ट ओवर टोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, मतलब वन एंड हाफ लूप, मतलब वन एंड हाफ लूप। तो यहाँ पे वन एंड हाफ लूप बनेगा, तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा एक वन एंड हाफ लूप आएगा। नाउ एज यू ऑलरेडी नो वन एंड हाफ लूप मतलब कितना, 3 लैम्डा बाई 4, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 4। उसमें से ये आपके पास है लेंथ एल टू और ऊपर है एंड करेक्शन ई, तो दिस इज लेंथ एल टू एंड दिस इज एंड करेक्शन ई। और क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला कि हम लोगों ने डायामीटर ट्यूब का चेंज किया, तो एंड करेक्शन इन द फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस विल बी सेम। तो यू विल हैव एल टू प्लस ई इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन से लैमड़ा बाई 4 की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में सब्सिट्यूट करोगे, तो ये लैमड़ा बाई 4 ये कितना है एल वन प्लस ई, सब्सिट्यूट देयर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू हमको एंड करेक्शन फाइंड करना है, याद रखो। तो हमको एंड करेक्शन को फाइंड करना है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंड करेक्शन जाएगा। तो हमको एंड करेक्शन फाइंड करना है, तो यू आर सपोज टू जस्ट फ्रॉम वन एंड टू सब्स्टिट्यूट लैम्बडा बाय 4 ऑफ इक्वेशन वन इन इक्वेशन नंबर टू। तो एल टू प्लस ई इक्वल टू कितना है 3 इंटू लैम्बडा बाई 4, व्हाट इज लैम्बडा बाय 4, एल वन प्लस ई। तो यहाँ से एल टू प्लस ई इक्वल टू 3 एल वन प्लस 3 ई, ये ई को शिफ्ट कर दोगे तो 2 ई, तो एल टू माइनस 3 एल वन इक्वल टू 3 ई माइनस ई दैट इज 2 ई, तो ई इक्वल टू एल टू माइनस 3 एल वन अपॉन 2। तो एंड करेक्शन का फॉर्मूला बन गया। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू सब्सिट्यूट करना है एंड डन। तो जस्ट पुट वैल्यूज हियर, तो ई इक्वल टू एल टू कितना था 0.35, माइनस एल वन कितना है 0.1 अपॉन 2, तो E इक्वल टू 0.35 माइनस 0.3 मतलब 0.05 अपॉन 2, तो 0.025। लेंथ किस में था, मीटर में, तो ये भी क्या है मीटर में। अगर आपको सेंटीमीटर में लिखना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, अभी आंसर सेंटीमीटर में है क्या, नहीं मीटर में है, तो हो गया 0.025, ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला क्वेश्चन, अ स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ रेजोनेंस कॉलम, वापस से रेजोनेंस कॉलम मतलब क्लोज पाइप।
डायामीटर ऑफ द कॉलम ट्यूब इज 4 सेंटीमीटर, डायामीटर दिया है, मतलब यू कैन फाइंड आउट एंड करेक्शन, ई मिल सकता है यहाँ से, 0.3 टाइम्स ऑफ डायामीटर, मतलब करी लो 1.2 सेंटीमीटर, 0.3 × 4, 1.2 सेंटीमीटर इज एंड करेक्शन। द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज 512, मतलब जिस फोर्क से हम एयर कॉलम को वाइब्रेट करेंगे उसका फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है 512। द एयर टेम्परेचर इज 38 डिग्री, इन विच द स्पीड ऑफ साउंड इज 336 मीटर पर सेकेंड। द जीरो ऑफ द मीटर स्केल कोइंसाइड्स विद द टॉप एंड ऑफ द रेजोनेंस कॉलम ट्यूब। जीरो ऑफ द मीटर स्केल कोइंसाइड्स विद टॉप एंड ऑफ द रेजोनेंस कॉलम ट्यूब। व्हेन द फर्स्ट रेजोनेंस ऑकर्स द रीडिंग ऑफ द वाटर लेवल इन द कॉलम इज। तो क्वेश्चन पूरा कंफ्यूज करने का कोशिश है। लेंथ ऑफ एयर कॉलम पूछा है, और लेंथ ऑफ एयर कॉलम पूछा है और पूछने का तरीका क्या है कि आपके पास एक रेजोनेंस कॉलम है, मतलब पहले तो पता होना चाहिए रेजोनेंस कॉलम इज अ पाइप क्लोज्ड वन है। फिर क्या बोला है, उसके बाद ये बोला है कि यहाँ पे एक मीटर स्केल लगा के रखा है, मीटर स्केल, तो यू हैव अ मीटर स्केल ओवर हियर, और आपको पता होना चाहिए कि मीटर स्केल पे यू हैव मार्किंग्स, ऑफ कोर्स सबको पता होता है, और उन्होंने बोला है कि जीरो ऑफ द मीटर स्केल कोइंसाइड विद द टॉप ऑफ द कॉलम, उसके बाद फिर बाकी लाइंस होंगे यहाँ पे। देन व्हाट दे टेलिंग यू कि यहाँ पे इसके अंदर वाटर कॉलम है। देखो बोला है व्हेन द फर्स्ट रेजोनेंस ऑकर्स द रीडिंग ऑफ द वाटर लेवल इन द कॉलम, आखिरी में ऐसा बता दिया वाटर लेवल इन द कॉलम, मतलब यहाँ पे पानी भी है इसके अंदर, देर इज ऑल्सो वाटर इन साइड दिस कॉलम। तो जब पहला रेजोनेंस आएगा तो वॉट इज वाटर लेवल, वॉट इज वाटर लेवल मतलब लेंथ ऑफ एयर कॉलम पूछा है आपको। तो दिस इज वेयर क्वेश्चन ऑफ जेई विल ट्राई टू कंफ्यूज यू। स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रेजोनेंस कॉलम, मतलब पाइप क्लोज्ड वन एंड, डायामीटर ऑफ द ट्यूब इज 4 सेंटीमीटर, मतलब यू कैन फाइंड आउट एंड करेक्शन फ्रॉम हियर। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क दैट यू आर यूजिंग इज 512 हर्ट्ज, मतलब फ्रिक्वेंसी बता दिया। एयर टेम्परेचर इज 38 डिग्री सेल्सियस, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। इन विच द स्पीड ऑफ साउंड इज 336 मीटर पर सेकेंड, इस 38 डिग्री सेल्सियस का रेलेवेंस कब होता, जब आपको स्पीड नहीं दिया होता तब, क्योंकि तो फिर आपको पता होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे स्पीड कितना होता है और टेम्परेचर के साथ स्पीड कैसे चेंज होता है। मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, देखा आपने, यस्टरडे आई टोल्ड यू, यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, 8 नंबर चैप्टर, 11th का टेक्स्ट बुक स्टेट बोर्ड का, उसमें वेरिएशन ऑफ स्पीड विथ टेम्परेचर तीसरे चौथे पेज पे आपको मिलेगा, तो देखना चाहिए, क्योंकि अगर 27 डिग्री पे आपको स्पीड दिया है और पूछा 38 डिग्री पे, तो फिर कैसे करोगे कैलकुलेट, तो वो चेक करो। द जीरो ऑफ द मीटर स्केल कोइंसाइड्स विद द टॉप एंड ऑफ द रेजोनेंस कॉलम ट्यूब, जीरो ऑफ द मीटर स्केल कोइंसाइड्स विद टॉप, क्योंकि रीडिंग तुम जीरो से लोगे, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। व्हेन द फर्स्ट रेजोनेंस ऑकर्स, पहला रेजोनेंस जब होगा, तो पहले रेजोनेंस में आपको यह भी पता होना चाहिए, यह ऐसा है केस है सिंपल। तो इन दैट केस व्हाट इज द वाटर लेवल इन द कॉलम, वाटर लेवल इन द कॉलम मतलब एंड करेक्शन छोड़ के लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना है, मतलब इन शॉर्ट यहां से यहां तक ये स्मॉल एल है, और ये ऊपर कितना है, ये ई है, और ये दोनों मिला के कितना है, लैम्बडा बाई 4 है, दैट इज द आइडिया। तो एल प्लस ई इक्वल टू लैमड़ा बाई 4, मतलब एल इक्वल टू लैमड़ा बाई 4 माइनस ई। अब वेवलेंथ कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, वी इक्वल टू एन लैमड़ा, तो लैमड़ा इक्वल टू वी बाय एन, वी की वैल्यू दी है 336, ये भी दिया है 512, तो उसको सॉल्व करो, 336 बाई 512, टू टाइम्स 3 टाइम्स 2/3, क्या है ये, नहीं। और वेल, और एक चीज याद रखो, ये 336 मीटर पर सेकेंड है, दिस इज मीटर पर सेकेंड, तो ऑलरेडी हमारे पास वो किसमें है, ऐसा है, तो 336 बाय 512 नहीं पता आपको, 336 बाय 512, 0.662/3 आता है वो, रफली 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 बोला मैंने, 0. रफली रफली 2/3 है, 0.65,
0.65 मीटर, ये आ गया वेवलेंथ बराबर। और इसको बाय फोर करेंगे, और इसको बाय फोर बाद में करेंगे, एंड कनेक्शन कैसे फाइंड करोगे? 0.3 डी, डी की वैल्यू आपको दी है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ना 10^-2 करना पड़ेगा, 1.2 और 10^-2 तो 0.012 बराबर, 0.012 आएगा, ये 0.012 मीटर आ गया, ये वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो लेंथ एल इज लैम्डा बाई 4, लैम्डा कितना है 0.65, मैं 0.64 मान लेता हूँ टेम्पररीली, एक्चुअली 0.65 है क्योंकि ये सीधा सीधा 1 एंड 0.16 हो जाएगा, उसमें से पॉइंट पॉइंट ट्वेल्व नहीं 0.012 माइनस कर लोगे अप्रोक्सीमेटली, कितना आ गया 0.16 में से 0.12 माइनस करना, ये 5 है, ये 8 है, ये 4 है, 0.0.148 है, 0.148 वो मीटर में है, ये सेंटीमीटर। अगर ऑप्शन नंबर ए दिया तो हमारा आंसर करेक्ट है फिर, नहीं हमारे कैलकुलेशंस में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेंगे, यहाँ पे 15.2 ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, तो ठीक डजेंट मैटर, तो हमको कैलकुलेशन को अप्रोक्सीमेट नहीं करते आएगा, बस उतना ही है बाकी कुछ नहीं, बाकी सब करेक्ट है। तो फिर हमने अप्रोक्सीमेशन कहाँ कहाँ पे किए वो हटाओ, हाँ, सिर्फ सिर्फ नहीं वेवलेंथ में भी नहीं किया हमने, 0.6562 ऐसा था, उसमें से क्या माइनस करेंगे 0. ये जो 64 लिखा है ये नहीं चलेगा, ये 64 नहीं चलेगा, आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, इसको डिवाइड में क्या करोगे 4 करोगे, हाँ फिर क्या करोगे माइनस क्या करोगे 0.012, 0.512, तो हमारा आंसर सही है, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे चलने नहीं वाले, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एग्जैक्ट 0.6562/4, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.152 मीटर, 0.152 मीटर मतलब 15.2 सेंटीमीटर, तो हो गया ऑप्शन नंबर बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलो पाइप ऑफ लेंथ 0.8 मीटर इज क्लोज एट वन एंड, एट इट्स ओपन एंड 0.5 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन इट्स सेकेंड हार्मोनिक एंड इट रेजोनेट्स विद द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द पाइप, इफ द टेंशन ऑफ द वायर इज 50 न्यूटन, द स्पीड ऑफ साउंड इज 320 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ द स्ट्रिंग इज, अगेन गुड क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। रेजोनेट्स का मतलब मैंने आपको कल 2-3 बार बताया था लास्ट लेक्चर में, तभी पता होना चाहिए, रेजोनेट्स मतलब जो एक्सटर्नल वाइब्रेटर है यहाँ पे कौन है स्ट्रिंग है, उसका फ्रीक्वेंसी और एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी सेम है, दिस इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेट्स। तो यहाँ पे क्लोज पाइप है, क्लोज पाइप के ओपन एंड पे, क्लोज पाइप के ओपन एंड पे एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रहा है इन इट्स सेकेंड हार्मोनिक, तो आई होप यू रिमेम्बर सेकेंड हार्मोनिक में कितने लूप्स बनते हैं, कितने बनते हैं, कितने बनते हैं, 2 लूप्स बनते हैं, वैसे तो हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू नो व्हाट आर द नंबर ऑफ लूप्स, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 लूप बन गए, ये सेकेंड हार्मोनिक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी और कॉलम का फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इज 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्ट्रिंग, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, ये सेकेंड हार्मोनिक तो 2N लिखा। अब आगे क्या बोला है, अ हॉलो पाइप ऑफ लेंथ, पाइप का लेंथ आपको दिया है 0.8, इज क्लोज एट वन एंड एट इट्स ओपन एंड अ 0.5 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दे दिया आपको एल, इज वाइब्रेटिंग इन इट सेकेंड हार्मोनिक एंड रेजोनेट्स विद द फंडामेंटल फंडामेंटल, तो ये जो फ्रिक्वेंसी है ये फंडामेंटल है, करेक्ट है, टेंशन की वैल्यू दी है, स्पीड दिया है आपको, मास ऑफ द स्ट्रिंग पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप, वी बाय 4L C, वेरी गुड, इसको भी VC लिखो, उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि यहाँ पे 1/2
12 रूट ऑफ टी बाय एन। कई बार क्या होता है, रूट ऑफ टी बाय एन क्या है, स्पीड है, तो हम बाद में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पहले क्या लिख देते हैं, वी। तो अगर ये भी वी है ये भी वी है तो क्या हो सकता है, कैंसल, कंफ्यूजन हो सकता है, तो नहीं करना है रूट ऑफ टी बाय एम। वी सी की वैल्यू दी है कितनी है, 320। लेंथ ऑफ पाइप भी दिया है 0.8, वेरी गुड, 0.8 दिया है, अच्छा हो गया, गुड। टू टू हो गया, कैंसल। ये लेंथ दिया है 0.5, टेंशन की वैल्यू दी है 50, 50। और स्मॉल एम दिया है, स्मॉल एम इज मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, हमको मास पर यूनिट लेंथ फाइंड नहीं करना है। तो एक काम करो, एक्चुअली ये लिखना ज़्यादा सही है, क्योंकि ये एल कितना है, 0.5, ऊपर जाएगा तो 50 × 0.5 इज 25, 25 का रूट इज 5, दैट इज बेटर टू डू। तो ठीक है, ऐसे लिखेंगे, व्हाट इज इट फॉर द, वेरी गुड। ये 32 की जगह 3.2 है, 3.2, 1 × 10 = 32, 100 × 320, ये 100 आ गया, ये आ गया 1/0.5, ये ऊपर गया लेंथ, तो 50 × लेंथ, लेंथ की वैल्यू कितनी है, 0.5/m, 100, और ये 0.5, 0.5 को शिफ्ट कर दो सर, 50, 0.5 × 100 इज 50, 50 = 50 × 0.5, 25, 25 का रूट इज 5/√m, 1 × 10 बराबर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 100 = 1/m, तो m = 1/100, 1/100 मतलब 10^-2 kg, आंसर ग्राम में दिया है, हाँ 10 ग्राम है, फिर क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स, तो 10^2, और 1 किलोग्राम का 10^3 ग्राम, तो 10^3 और -2 10, तो क्या आंसर आना चाहिए, 10 ग्राम, तो मास ऑफ द वायर इज 10 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सलरेट्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ एट 2 m/s². एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मोटरसाइकिल देयर इज अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक सायरन, हाउ फार हैज द मोटरसाइकिल गॉन व्हेन द ड्राइवर हियर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सायरन एट 94% ऑफ इट्स वैल्यू व्हेन द मोटरसाइकिल वॉज एट रेस्ट, स्पीड ऑफ साउंड इज 330 m/s। गुड क्वेश्चन अगेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से वापस, एक स्ट्रेट पाथ है, जहां पे ये स्ट्रेट पाथ है वहां पे एक मोटरसाइकिल था, और जहां पे मोटरसाइकिल था वहां पे इलेक्ट्रिक सायरन था, सायरन था स्टेशनरी, तो साउंड कौन इमिट करेगा, सायरन, तो सोर्स क्या है, स्टेशनरी है, एट रेस्ट है, और यहीं पे मोटरसाइकिल भी था, तो यू है मोटरसाइकिल ऑल्सो ओवर हियर, तो यहाँ पे एक मोटरसाइकिल है, इमेजिन दिस इज मोटरसाइकिल, समझ लेना। देन दिस मोटरसाइकिल स्टार्ट्स मूविंग, इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, पहले रेस्ट पे था, इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 2 m/s² अलोंग द स्ट्रेट पाथ, एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मोटरसाइकिल देयर इज इलेक्ट्रिक सायरन, हाउ फार द मोटरसाइकिल हैज गॉन व्हेन द ड्राइवर हियर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सायरन एट 94%, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए, तो कम है, कितना बोला है, 94% ऑफ द रियल फ्रीक्वेंसी, मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज 94% ऑफ रियल फ्रीक्वेंसी, मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बाय रियल फ्रीक्वेंसी इज 94/100, और आपको ऑलरेडी पता है कि जब डिस्टेंस बढ़ता है और अगर सोर्स स्टेशनरी हो, तो इफ यू रिमेम्बर वी वी एल अपॉन वी, याद है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, तो डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ओके, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, क्यों कर रहा हूँ ये, मैं समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, कि आपको फाइंड क्या करना है, हाउ फार मतलब डिस्टेंस, मतलब v² = u² + 2as, ए पता है, एस फाइंड करना है, उसके लिए फाइनल स्पीड चाहिए, यू तो 0 है, तो हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, फाइनल स्पीड, किसका स्पीड, लिसनर का स्पीड, तो दिस इज इक्वल टू 94
4/100 इक्वल टू वी माइनस वी एल बाय वी, 0.94, 0.94 टाइम्स ऑफ वी, क्योंकि 0.94 है और ये वी इधर लाऊंगा मैं बाद में फिर, तो 0.94 वी इक्वल टू वी माइनस वी एल, इसको यहाँ लाओ उसको वहां ले जाओ, तो वी एल इक्वल टू वी माइनस 0.94 वी, 0.06, 0.06 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है, 330, 330 दिया है ना, 330, यस। तो वी एल इक्वल टू 0.06 इंटू 330, तो वी एल इक्वल टू 33 198। हाँ तो 6 × 10⁻²⁺ था और 33 × 10 था, तो ठीक है ना, 33 6 33 10 330 का हाफ, और 330 का हाफ 165, 165 में और 33 ऐड कर दिया तो 198, तो ये 198, 198 ये 10⁻²⁰ और 1, तो 19.8 मीटर पर सेकेंड, ये मिल गया आपको स्पीड। वैसे इसकी जरूरत नहीं है हमको, क्यों नहीं है, हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 0 + 2as, हमको फाइंड करना था एस, तो यहाँ से मिल जाएगा एस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a। वी स्क्वायर मतलब 19.8 × 19.8/2 × 2, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी दी है 2, 19.8 का हाफ हो गया आंसर, तो हो गया रफली रफली हो ही गया। ये 20² है, ये 20/2 10 है, ये 20/2 10 है, तो 100 है आंसर। ये कितना है 20/2 कितना है, अरे ये 20/2 कितना है 10, 20/2 कितना है 10, तो आंसर कितना है 98 मीटर, हो गया 98 मीटर आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। डन, तो यू कैन रिड्यूस द टाइम ऑफ कैलकुलेशन फॉर दिस क्वेश्चन, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड फॉर्मूला तो अच्छे से एकदम अच्छे से याद है, तो Na by N is V minus VL by V, Na by N जैसे बोला कि 94% है, तो 94/100 है, ये पता होना चाहिए। V by V is 1, इसको यहाँ शिफ्ट करो, उसको वहां शिफ्ट करो, वी एल बाई वी इज 1 − 94/100, दैट इज 6/100, तो वी एल इज इक्वल टू 6/100 ऑफ कितना, 330, क्योंकि ये वी है कितना है 330 है, ये और ये हो गया कैंसल, ये हो गया 3 जा, ये हो गया 5 जा, या तो इसको तुम वैसे भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एनी वेज दिस इज 99/5, मतलब बेसिकली 19.8। तो ठीक है ये, ओके ये आ गया वी एल, वी एल आ गया, उसके बाद आपको याद होना चाहिए था वी एल स्क्वायर बाई 2a इस डिस्टेंस, ज्यादा इजी पड़ेगा, 99 को 100 मान लो, 100 का स्क्वायर मतलब 100 × 100, 99 को तुम 100 मान लो, अगर 100 मान ही रहे हो तो ये 20 हो गया, फिर 20 हो गया ये, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 2 × a, a की वैल्यू 2 थी, तो 400/4 कितना होता है 100 मीटर, हो गया क्वेश्चन, तो इसको तुम कैलकुलेशन सिंपल भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स इज स्टेशनरी, टुवर्ड्स मतलब वी प्लस वी एल बाई वी, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वी एल इज वी बाई 5 5 5, वॉट इज अ परसेंटेज इंक्रीज इन द एपरेंट फ्रिक्वेंसी, सिंपल, परसेंटेज इंक्रीज इन द एपरेंट फ्रिक्वेंसी। सबसे पहले याद रखना फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी में परसेंटेज इंक्रीज मतलब डेल्टा एन बाई एन इंटू 100, टेम्परेचर में इंक्रीज तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, तो यहाँ पे डेल्टा एन बाई एन इंटू 100, वॉट इज डेल्टा एन, फाइनल वैल्यू मतलब एपरेंट, फाइनल मतलब कौन एपरेंट, माइनस इनिशियल मतलब कौन एन, रियल फ्रिक्वेंसी अपॉन एन इंटू 100, इतना समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 20% होगा ऐसा, क्यों, द रीजन इज ये एन ए बाई एन, ये तुम कहाँ से लाते हो, ये तुम लिखते हो एन ए इक्वल टू एन इंटू वी प्लस वी एल, प्लस क्यों लिख रहा हूँ, डिस्टेंस क्या है कम हो रहा है बाई वी, करेक्ट है ना,
हाँ, फिर एन ए इक्वल टू एन वी बाई वी इज वन प्लस वी एल बाई वी, एन ए इक्वल टू एन इंटू वन इज एन प्लस एन वी एल बाई वी, ये शिफ्ट कर दो तो एन ए माइनस एन इक्वल टू एन वी एल बाई वी, इसको शिफ्ट कर दो, कर दो शिफ्ट, कर दिया शिफ्ट, यस। तो क्या बन गया, एन ए माइनस एन है क्या, एन ए माइनस एन वो फॉर्मूला में दिख रहा है, हाँ ये आ गया हमारे पास एन ए माइनस एन अपॉन एन दैट इज वी एल बाई, वी एल बाई ये तो बताया ही है ना, 1/5 बोला नहीं क्या यहाँ पे, यहाँ पे बोला है वेलोसिटी ऑफ लिसनर इज 1/5 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, तो वी एल इज वी बाय 5, तो वी एल बाई वी इज 1/5, बट वी एल इक्वल टू बताया है वी बाय 5, मतलब वी एल बाई वी कितना दिया हुआ है 1/5, देयरफॉर एन ए माइनस एन अपॉन एन इज 1/5 इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू डेल्टा एन बाय एन इंटू 100 इक्वल टू एन ए बाय एन ए माइनस एन बाय एन इंटू 100, लेकिन एन ए माइनस एन बाय एन कितना है 1/5 इंटू 100, तो कितना 20% हो गया, और अगर बोला होता 1/4 तो 25%, हाफ तो 50%, तो दिस हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, मोर क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स, तो सॉल्व करो। अ साइरन प्लेस्ड एट अ रेलवे प्लेटफॉर्म इज इमिटिंग साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी 5 kHz, अ पैसेंजर सिटिंग इन मूविंग ट्रेन ए रिकॉर्ड्स अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 5.5 kHz, मतलब डिस्टेंस कम हो रहा होगा, और साइरन क्या है प्लेस्ड एट रेलवे प्लेटफॉर्म है, मतलब सोर्स इज स्टेशनरी। वाइल द ट्रेन अप्रोचेस द साइरन, तो 5.5 kHz मतलब वाइल द ट्रेन अप्रोचेस मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है, ड्यूरिंग हिज रिटर्न जर्नी इन अ डिफरेंट ट्रेन बी ही रिकॉर्ड्स अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 6 kHz, मतलब अभी भी अपेरेंट फ्रिक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि रिटर्न जर्नी में वो दूसरे ट्रेन से आएगा तो दूसरे ट्रेन का स्पीड फास्टर होगा, जाते वक्त पैसेंजर में गया होगा, आते वक्त वो हो सकता है लोकल नहीं, आते वक्त फास्ट है वो, एक्सप्रेस में आ रहा है वो, हाँ एक्सप्रेस में आ रहा है, तो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इज 6 kHz। व्हाइल अप्रोचिंग द सेम साइरन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी टू दैट ऑफ ट्रेन ए इज, गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ऑल्सो, इन बोथ द केसेस सोर्स इज स्टेशनरी, इन बोथ द केसेस डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, सो इन बोथ द केसेस अपेरेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला विल बी वी प्लस वी एल बाई वी इंटू एन, बोथ द केसेस। अब यहाँ पे अपेरेंट फ्रिक्वेंसी ए केस की जब बात करोगे, ए केस की जब बात करोगे दिस इज इक्वल टू, यस ये तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होता है, इसको तो तुम कुछ नहीं कर सकते ना, तो वी एल क्या लिखोगे वी ए, वेयर वी ए इज स्पीड ऑफ ट्रेन अपॉन वी इंटू एन, जब रिटर्न जर्नी में वो बी ट्रेन से आ रहा था तो वी प्लस वी बी बाय वी इंटू एन, आपको अपेरेंट फ्रिक्वेंसी बी और ए दोनों का ही पता है तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इन केस ए अपॉन अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इन केस बी इक्वल टू वी प्लस वी ए बाई वी अपॉन वी प्लस वी वी बाई वी एन और एन, कैंसल 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 कैंसल, और किलो हर्ट्ज है तो हमारा काम और भी आसान हो जाता है क्योंकि किलो किलो हो जाएगा कैंसल, ये 5.5 किलो था ये 6 kHz, तब किलो किलो गया, वी ए वी वो मैं बाद में सब्स्टिट्यूट करूंगा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मैं आखिरी में सब्स्टिट्यूट करूंगा एकदम लास्ट में, देखते हैं वो वैसे भी रेशियो ही चाहिए था, रेशियो वेलोसिटी ऑफ बी टू दैट ऑफ ए, ठीक ओके देन देखते हैं इसको क्या करना है तो बाद में देखेंगे, ओके देन वी प्लस वी ए अपॉन वी प्लस वी बी 5.5/6 0.091, 5 11 5 12 11 एंड 12, 0.9 लाना ही नहीं है हमको, क्यों नहीं लाना है, तुमको रेशियो चाहिए वी बी बाई वी ए, 11 V प्लस 11 VB 12 V प्लस 12
3B। अरे 12VA है क्या? ठीक है 12VA, हमको क्या चाहिए? VB बाय, VB बाय VA चाहिए। ठीक है तो अब क्या करेंगे, क्या करोगे इसके बाद? ट्वेल्व में से 11 गया वो, ठीक है वो बी रह गया। देन ठीक है, यू आर सेइंग कि 11 VB इक्वल टू V, 12 में से 11 गया प्लस 12 VA, व्हाट विल यू डू? स्टक स्टक स्टक, यू शुड नॉट बी स्टक स्टक। हमने एक छोटा सा गलती किया है, इंट्रिंसिक वेरी स्मॉल। फॉर्मूला गलत है? नहीं, फॉर्मूला सही है। हमको क्या चाहिए था? वी एल, वेलोसिटी ऑफ लिसनर चाहिए था। तो पहली चीज हमने क्या करनी चाहिए थी, ये किसका फॉर्मूला है? हाँ फ्रीक्वेंसी का। तो कैन यू नॉट डायरेक्टली मेक फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ लिसनर? बना सकते हो, तो वैसा कर लो, ज्यादा इजी पड़ेगा। कैसे? लुक, एन ए बाय एन, ये भी पता है, ये भी पता है। जो पता है उसको क्यों क्यों डिलीट करना है फिर? पता है ना एन, हमने जब डायरेक्ट रेशियो लिया तो क्या हो गया, गया, तो वो नहीं करना। व्हाट इज वी बाई वी? वन प्लस वी एल बाय वी, शिफ्ट 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 शिफ्ट, इसको शिफ्ट कर दो। वी एल बाय वी इक्वल टू एन ए बाय एन माइनस वन। तो वी एल हमको क्या चाहिए, ध्यान हमेशा ध्यान रखना, क्या चाहिए हमको? वी एल चाहिए ना। तो ये आ जाएगा एन ए माइनस एन अपॉन एन इंटू वी। ये तकलीफ दे रहा था हमको, यही तो प्रॉब्लम आ रहा था ना। अभी पता नहीं है, अभी बताया नहीं, बताया होता तो हो जाता क्वेश्चन, नहीं बताया तो अभी हमारा प्रॉब्लम खत्म। तो मैं क्या लिखूंगा, वी ए इक्वल टू अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इन ए केस माइनस ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी इन टू वी। वी बी इक्वल टू अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इन बी केस, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इन बी केस माइनस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इनटू वी। डिवाइड कर दो अब वी बी बाई वी ए, क्योंकि क्या पूछा है, स्पीड ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन बी टू दैट ऑफ ट्रेन ए। तो डिवाइड जब करोगे एन वी कैंसल, तो क्या आएगा, एन ए बी माइनस एन अपॉन एन ए माइनस एन। ये 6 था, ये 5 है, ये 5.5 है, 5.5, और ये 5 है, ये 1/0.5 है। व्हाट इज 1/0.5? टू टू, 0.5 इज 1/2, तो 1/1/2 इज हो गया, हो गया ऑप्शन नंबर बी। बताओ, दैट्स इट फॉर टुडे एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।